पिछले 9 अगस्त को कोलकाता के प्रतिष्ठित आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में आंदोलन चल रहा है। देश भर के चिकित्सक संगठन से लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मी और मेडिकल स्टूडेंट्स भी सड़क पर उतर कर इस जघन्य घटना का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए जो भी इस शर्मनाक घटना में शामिल है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इस बीच महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना में कोलकाता पुलिस की जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने न केवल पुलिस बल्कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल को भी फटकार लगाई। एक और पुलिस की जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर जांच सीबीआई के हाथों सौंपने के निर्देश दिए तो दूसरी तरफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया, लेकिन चिकित्सक संगठन आईएमए अपना आंदोलन जारी रखे हुए है। बुधवार को राज्य भर में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आउटडोर चिकित्सा परिसेवा बंद रखी गई। इस दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात आईएमए की रानीगंज शाखा ने भी घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग पर अस्पतालों और चैम्बरों में आउटडोर परिसेवा बंद रखी। इतना ही नहीं, रानीगंज के शिशु बगान मोड़ से नेताजी मूर्ति तक प्रतिवाद जुलूस निकाला गया। इस प्रतिवाद जुलूस में रानीगंज के तमाम प्रतिष्ठित डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। सभी ने न केवल घटना के विरोध में नारे लगाए बल्कि इस जघन्य अपराध के विरुद्ध शहरवासी को प्रतिवाद जुलूस में शामिल होने का भी आह्वान किया। जुलूस का नेतृत्व आईएमए रानीगंज शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर चैताली बासु ने किया। इसके अलावा रानीगंज के प्रतिष्ठित डॉक्टर एसके बासु, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिर्वाण घोष, डॉक्टर अमृता घोष, डॉक्टर दिवेंदु दास, डॉक्टर पलाश साहा, डॉक्टर केएल केसरी, डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर बीजन मुखर्जी, डॉक्टर सुवर्णा गांगुली, डॉक्टर बीबी मुखर्जी, डॉक्टर पीआर घोष, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर एससी दारूका, डॉक्टर अजय संथालिया, डॉक्टर पी कर्मकार, डॉक्टर सुमित अग्रवाल, डॉक्टर अतुल मंत्री, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर बीके भट्टाचार्य, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर यूसी खां, डॉक्टर पियाली दास गुप्ता, डॉक्टर बुलबुल सामंत, डॉक्टर सौमी बनर्जी, डॉक्टर वर्णमाला भट्टाचार्य और डॉक्टर इंगिता मुखर्जी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रोटरी क्लब की महिला शाखा इनर व्हील क्लब भी इस प्रतिवाद जुलूस में शामिल हुई। प्रतिवाद जुलूस के साथ साथ रानीगंज के नेताजी मोड़, स्कूल मोड़, शिशु बगान मोड़ और राम बगान मोड़ के पास सभा की गई। इस पथ सभा में डॉक्टरों ने आरजीकर की घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। सभी डॉक्टरों ने अपने वक्तव्य में एक ही बात सामने रखी कि हमें न्याय चाहिए, चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हमारी साथी एक छोटी सी बच्ची के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, इस बात की जानकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने परिजनों को 2 घंटे बाद जानकारी दी। पहले तो इसे आत्महत्या की घटना के रूप में फैलाने की कोशिश की गई। परिजनों को पोस्टमार्टम के 2 घंटे बाद शव को देखने दिया गया। इतना ही नहीं, इस घटना का विरोध करने वालों को भी धमकी दी जा रही है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि यह घटना आरजीकर अस्पताल में नहीं किसी भी संस्थान में घट सकती है, इसलिए हम सबको इसके विरुद्ध एक साथ मिलकर आंदोलन करना है और आरोपी को मृत्यु दंड तक पहुँचाना है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश जारी किए तो नवीनीकरण के नाम पर अस्पताल बिल्डिंग के उस अंश में तोड़फोड़ किया जा रहा है जो जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्षण करे हत्या करा हुए चे कर्मरत जरा आछेन तारा संगे संगे सेटाके सुसाइड बोले पाचार करार चेष्टा करलो।
পোস্টমর্টেমটা তড়িঘড়ি করে তার বাবা মাকে আসার আগেই শুরু করে দেওয়া হলো। বাবা মাকে দু ঘন্টা ধরে বডি দেখতে দেওয়া হয়নি। তারপরে তার বাড়িতে ফোন যায় যে এটা সুইসাইড বলে, তার মেয়ে নাকি মারা গেছে। যে যে ভাই বন্ধুরা তার প্রতিবাদ করেছিল তাদেরকে আজকে মৃত্যু ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যে প্রিন্সিপালের কাজ ছিল পিতৃসুলভ আচরণ করে তার জাস্টিস চাওয়ার, সেই বলব যে ওই রাত্রিবেলায় ওখানে গেছে কেন, মানে ডিউটি করতে যাওয়াটা পাপ ছিল তার। আজকে এইরকম সমাজ ব্যবস্থা শুধু ডাক্তারি ক্ষেত্রে নয়, যে কোনো সংস্থাতে হতে পারে। এবং তার জন্যে যার বাড়িতে মা বোন মেয়ে আছে, আমি এই পথ চলতে চলতে এই প্রতিবাদে সবাইকে আহ্বান করছি, যদি সময় দেওয়া থাকে দু মিনিটের জন্য এসে এই পথে সাত দিন আপনার পথের সাথ আমাদের মনোবলের প্রচুর সাহায্য হবে। যখন সিবিআই তদন্ত রাজু করা হলো তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই বিল্ডিংটা পরিষ্কার বিল্ডিংটাকে ইনোভেট করার নামে ভাঙচুর করে সাত তলপাঠ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এত বড় জঘন্য অপরাধ, সে তো যারা করেছে অপরাধী তাদের মৃত্যুদণ্ড চাই। তার থেকে বড় অপরাধ যারা এটাকে জেনে শুনে এই প্রতিবাদে পা দিচ্ছেন না, তারা কিন্তু তার নিজের পরিবার, নিজের মেয়ে, নিজের মা, নিজের বোনের সাথে অন্যায় করছেন। আপনারা এত কিছু জেনে যদি এই প্রতিবাদে সামিল না হন, আমি আশ্চর্য যে তারা আয়না কি করে দেখেন। रानीगंज में सभी डॉक्टरों ने अस्पताल, चेम्बर एवं अन्य जगहों में अपनी आउटडोर परिसेवा बंद रखी, परंतु जरूरी परिसेवा अर्थात इमरजेंसी पेशेंट को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। डॉक्टरों द्वारा निकाले गए प्रतिवाद जुलूस के दौरान रानीगंज थाना की ओर से सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। सभी मोड़ पर जुलूस को केंद्र कर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी। সঞ্জয় ভণ্ডারী কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাকি ফ্রেশ আটা মনপসন্দ। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।